हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक कांजना। और जैसा हम सभी जानते हैं कि एफएमजी एग्ज़ाम बस अब आने ही वाली है, डेट भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, फॉर्म भी आ चुके हैं। अभी ऐसा टाइम है कि जो लास्ट के 2 मंथ से भी कम टाइम हमारे पास बच चुका है, अब इसमें हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। खासकर जीटी, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो जीटी देने में कि भाई आलस इतना करते हैं कि जीटी देंगे देंगे लास्ट मंथ में देंगे, 15 दिन में देंगे। भाई जीटी आप एग्ज़ाम से अगर 15-20 दिन पहले दोगे तो उसका क्या सेंस है? आप कैसे अपने आप को एनालिसिस करोगे कि और फिर क्या इंप्रूवमेंट कर पाओगे आप उन लास्ट के 10 से 15 दिन में? तो जीटी का सही टाइम है कि भाई अभी जब आपके पास 2 मंथ का टाइम बचा है तो अभी से आप जीटी देना स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि आज जीटी देंगे तो नंबर कम आएंगे तो हमारी प्रिपरेशन बिगड़ जाएगी, ऐसा वैसा। भाई एग्ज़ाम में जाके आपके अगर नंबर कम आते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा इशू है। आपको अभी से 2 मंथ पहले अगर आपको पता चल रहा है आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप तो अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो ना कि आपके नंबर किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, किस टॉपिक में कम आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हो। तो जीटी सिर्फ आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको नंबर दे रहा है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, बट जीटी की मदद से आप अपने रिवीजन ज़्यादा बेटर वे में प्लान कर सकते हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से टॉपिक वीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आगे की प्रिपरेशन को जो है वो आप उसी के अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हो। अब जीटी जैसा है कि अब आप जीटी स्टार्ट करोगे देना, एटलीस्ट कोशिश करो कि इन 2 मंथ में एटलीस्ट आप 6 से 7 जीटी तो आपको मिनिमम देना ही देना है, तभी आपको आइडिया लगेगा। ये मत सोचो कि 1 या 2 जीटी देने से कोई ज़्यादा चेंज आ जाता है, क्योंकि 1-2 जीटी देने से क्या होगा कि 1 जीटी दिया, अब उसके बाद हो सकता है कि उसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा तुक्के सही हो गए तो आपको लगेगा कि वो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा है, और जिसमें नहीं तुक्के सही आपको लगेगा वो वीक है। बट आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा ना। जब आप रेगुलरली दोगे, 2-3 जीटी दोगे, तो उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे मार्क्स का कि भाई हाँ किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन थे, कितने बढ़े, उसके नेक्स्ट जीटी में आपके कितने नंबर बढ़े, तो आप कंपेयर करोगे तो आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअल वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी प्रिपरेशन को उसके हिसाब से स्टार्ट कर पाओगे। तो ये लास्ट के 2 मंथ जीटी प्लीज ट्राई, कोशिश करिए कि 6 से 7 जीटी आपको देना ही है। सो प्रेपरेटर की ओर से एक फ्री जीटी सबके लिए आ रहा है, जो कि है प्रेपरेटर्स एफएमजी चैंपियंस एग्जाम, जो कि एब्सोल्युटली सभी के लिए फ्री है। बस आपको रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके या कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अपने आपको रजिस्टर इसके लिए कर सकते हैं। ये जीटी जो है वो 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लाइव रहेगा प्रेपरेटर ऐप में, उसके बाद 11 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो आप अपने आप को बेटर एनालिसिस कर पाओगे। अभी जीटी देना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको प्रेपरेटर की ड्रीम टीम ने तैयार किया है, साथ ही इसमें मैक्सिमम जो आपके एफएमजी एस्पिरेंट्स है वो इसको देंगे, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि जितने एफएमजी एस्पिरेंट दे रहे हैं हम उसमें कहाँ खड़े हैं, जो उसमें रैंक आएगी आपकी। और इस जीटी का जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट रेप्लीकेट करेगा एग्जाम, मेन एग्जाम का, कि भाई आपकी मेन एग्जाम कैसी होने वाली, तो उसके बिल्कुल आसपास ये जीटी रहने वाला है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि एग्जाम में जाके आप कैसा फील करेंगे। वो इस जीटी को आप बिल्कुल सिंसियर तरीके से देंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेप्लीकेट होगा एग्जाम वाला माहौल। और इसमें आपके मेजोरिटी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी कवर होंगे, तो उससे आप अपने आपको आइडिया लगा पाएंगे कि आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में कितने अच्छे से आपने वो चीज़ें करी है, ताकि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चन गलत हो वो तो उससे बड़ी आई थिंक गलती कुछ नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक कितने अच्छे हैं उस वो भी हमको इस टेस्ट से पता चल जाएगी। सो गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगी, रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद आप इसको 6 to 10 दिसंबर तक इसको आप जीटी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर, प्लीज़ अभी से स्टार्ट करिए जीटी देना। ये मत सोचे कि बाद में देंगे, आगे देंगे, अभी मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हुए हैं, रिविजन नहीं हुए हैं, अभी से दो, तभी आपको अपना इंप्रूवमेंट पता चलेगा, कंपेयर आप कर पाओगे, उसी के हिसाब से आप रिविजन अच्छे से प्लान कर पाओगे। सो गो एंड गिव दिस जीटी, ऑल द बेस्ट।